हेलो गाइस, मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके उपस्थित हूँ। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस डिस्कस अबाउट व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज दैट फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स is a process by which organism use food and utilize for obtaining energy is called nutrition. Organisms have two types of nutrition. First one is the autotrophic nutrition and second one is the heterotrophic nutrition. Auto means self, tropics means food, hetero means other, trophic means food, means those type of nutrition in which organism makes their own food. What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is a type of nutrition in which organisms make their own food. In the earth, only plants have autotrophic nutrition, but some bacteria also have chemosynthetic or chemotroph nutrition, means those organisms which make their own food. Example, plants and some bacteria. Let me start what is the autotrophic nutrition in detail. In case of plants have autotrophic nutrition. Why they have autotrophic nutrition? Auto means self, autotrophic means food. Means those type of nutrition in which organisms make their own food. So that type of nutrition is called autotrophic nutrition. Actually, plants make their own food by the process of photosynthesis. Plants अपना food स्वयं बनाते हैं और एक process के जरिए और उस process के नाम है photosynthesis. क्या है ये photosynthesis? देखते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू मेक, मींस फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट।
It is a process in which plants make their own food in presence of sunlight. It's called photosynthesis. अब उस प्लांट्स में ऐसा क्या है जो प्लांट्स अपना फूड टू सेल्फ मेक कर सकते हैं, एनिमल्स को नहीं बना सकते। प्लांट्स में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल की वजह से प्लांट अपना फूड स्वयं बना पाते, जबकि एनिमल्स में ये पिगमेंट नहीं है जिसकी वजह से एनिमल्स अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते। अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान करता क्या? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहां से? एयर से। और वाटर लेता है। इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्लांट्स फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म और साथ ही साथ ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। बाय प्रोडक्ट क्या है? जो मेन प्रोडक्ट से के साथ साथ चीजें निकले उसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट देता है। तो इसी रिएक्शन के जरिए, इसी प्रोसेस के जरिए प्लांट्स हमें वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कहाँ से? एयर से। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है। वाटर कहां से? फ्रॉम सॉइल। क्लोरोफिल प्रेजेंस है, सनलाइट प्रेजेंस है, देन दे फॉर्म द ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन को रिलीज करता है जिस वजह से हम ऑक्सीजन ले पाते। अब आप देख रहे हो कि यहां पर सनलाइट प्रेजेंस है, means there is a requirement of sunlight for photosynthesis. अगर sunlight नहीं होगी तो plant अपना food का formation नहीं कर सकता। Also there is a presence of pigment called chlorophyll. Chlorophyll also essential for the photosynthesis. Plant take carbon dioxide from where? From air. अब वो carbon dioxide लेता है। आपने देखा होगा plant में इस तरीके से leaf form होती है। उस लीव्स के अंडर साइड मतलब जो लोअर साइड पोर्शन है उसमें छोटे छोटे टीनी पोर होते हैं। ये क्या है? टीनी पोर, छोटे छोटे छेद होते हैं। उन टीनी पोर्स को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। उस स्टोमेटा में बीन सेव्ड के इस तरीके की दो सेल्स होती हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये गार्ड सेल्स हैं और ये पोर है। इसी पोर के जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के जरिए, लीव्स में उपस्थित स्टोमेटा, स्टोमेटा में पोर है और उसी पोर से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अब्सॉर्ब कर लेगा। हम जानते हैं कि प्लांट्स के रूट्स होती हैं। उस रूट्स में हम वाटर देते हैं तो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करके लीव्स को दे देता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो बनाता है ग्लूकोज और वाटर को रिलीज कर, ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट। व्हाट इज द बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट। By this process, plants make their own food. अब one more question is also related with the plants have green leaves. Why the leaves are green?
का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से उस लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन है। सो दिस इज द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो।